वही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, नीतीश सरकार ने जारी किया हॉलिडे कैलेंडर। 2024 में 56 दिन के हॉलिडे की घोषणा की गई है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत की गई घोषणा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां नीतीश कुमार की ओर से 2024 में 56 दिन के हॉलिडे को लेकर घोषणा की गई है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये घोषणा की गई है। तो 2024 में 56 दिन का हॉलिडे होगा और इसको लेकर जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, छुट्टियों को लेकर एक कैलेंडर जारी किया गया बिहार सरकार की ओर से, क्या पूरा मामला है इसको लेकर जानकारी दीजिए। बिल्कुल पूजा, देखिए छुट्टियों को लेकर लगातार विवाद घिरता जा रहा था, जहां पर एक तरफ शिक्षा विभाग ने छुट्टियों में कटौती कर दी थी, उसके बाद इस तरीके से विवाद बढ़ता गया कि जो राजनीतिक दल है उन्होंने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और ऐसे में हंगामा जो है वो इतना तेज हो गया कि शिक्षा विभाग को वो छुट्टियों को वापस देना पड़ा। उसके बाद अब राज्य सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है कि कितने दिन किस अवसर पर छुट्टी दी जाएगी और वो तमाम लिस्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जहाँ पर चहलुम की बात की जाए, कबीर जयंती की बात की जाए, दुर्गा पूजा की बात की जाए, इस अवसर पर कितने छुट्टियां जो है वो दी जाएगी, चाहे चित्रगुप्त पूजा की बात की जाए, तमाम दिन कितने दिनों के लिए छुट्टी दी जाएगी वो तमाम लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, ताकि अब किसी तरीके की ऐसी बाधा जो है वो पैदा ना हो, जो जिस तरीके से शिक्षा विभाग के द्वारा जब लिस्ट जारी किया गया था उसमें कटौती की गई थी, उसके बाद ये लिस्ट जो है वो अब जारी कर दिया गया है। पूजा जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।